हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आपकी श्वेता, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार रक्षाबंधन के मुहूर्त में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस थे ना, तो हम लोग तो 31st को रक्षाबंधन कर रहे हैं। मतलब आज के दिन हम अपने भाई को राखी बांधेंगे। आप लोगों ने भी आज ही राखी बांधी या आप कल राखी बांध चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज मैं क्या पहनने वाली हूँ और आज का मेरा लुक क्या रहेगा, ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आज मैं कैसे रेडी होने वाली हूँ। मेरा रक्षाबंधन लुक मैं आपको दिखाऊंगी। और रेडी होने से पहले मैं आपको मिलाती हूँ मेरे चीकू से। आज उनको भी तो मैं राखी बांधूंगी ना, तो देखिए आप मिलते, आप उनसे मिलिए और फिर चलिए मेरे वीडियो की तरफ, मेरे लुक की तरफ। तो ये हैं हमारे चीकू से हैप्पी रक्षाबंधन। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आज चीकू ने भी सेम कलर पहना है ना, मैचिंग। बाल आज धोए हैं तो गीले से हैं, इनको सुखाना पड़ेगा, इनको सेट करना पड़ेगा। और मैं वेयर करने वाली हूँ ये साड़ी। पहले मेरा प्लान था सलवार सूट पहनने का, लेकिन फिर मैंने मूड चेंज कर लिया, मुझे अब साड़ी पहननी है। तो पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ साड़ी पहन के। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। मेकअप का एक पर्टिकुलर वीडियो मैं नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि मेरा तो जो मेन है वो हेयर स्टाइलिंग का होता है ना, और मैं हेयर स्टाइलिंग बनाने के चक्कर में मेकअप फटाफट करके वीडियो के लिए रेडी हो जाती हूँ, तो मैं वो शूट ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसा ही मैंने इस बार भी किया, और मुझे और भी सारे काम थे तो मैं मेकअप का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैं करूँगी, जल्दी ही मेरे मेकअप के वीडियोस भी आएंगे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा और मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक मैं खोलना भूल गई थी। क्या है ना कि तरह तरह की लिपस्टिक होती है, तो मतलब पता नहीं रहता है कि भूल जाते हैं, हमें घुमा के खोलने की आदत होती है और ये एकदम से खींच के ढक्कन खोलना था, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये मेरी लिपस्टिक हो गई है। मेरे हेयर अभी करने हैं, हेयर अभी मैंने सिर्फ ड्रायर किए हुए हैं, तो मुझे अभी हेयर तो करने हैं ताकि मैं रेडी हूँ मेकअप के साथ, तो रेडी हूँ। मैं यहाँ काजल ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मुझे याद आया कि वो बाहर रखा हुआ है, तो मैं बाहर काजल लेने चली गई और मैंने वहीं काजल लगा लिया। अब मैं बालों को थोड़ा देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं इन बालों के साथ साड़ी पर क्या इनको लुक देना चाहिए, स्ट्रेट करूँ या क्या हेयर स्टाइल बनानी चाहिए। मैंने कर लिया है थोड़ा थोड़ा मेकअप और अब मैं आती हूँ साड़ी पहनकर, और उसके बाद करेंगे हम अपना हेयर स्टाइल। तो मैं आती हूँ साड़ी पहनकर, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये मैंने पहन ली है साड़ी, और मैंने फर्स्ट टाइम एकदम बैकलेस ब्लाउज पहना है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही थी। ये तो अच्छा है कि मुझे कहीं बाहर जाना नहीं था, इसलिए मैंने ये वेयर कर लिया। आदत नहीं है ना ऐसा एकदम ओपन पहनने की। अब मैं स्टाइलिंग करनी है तो फिर झिझक तो थोड़ी निकालनी पड़ेगी। उसके साथ मैं ये सिल्वर बैंगल्स पहन रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी पर जो है सिल्वर वर्क है, तो पूरा जो मेरा ज्वेलरी रहेगा वो सिल्वर ही रहेगा। बैंगल्स प्यारी लग रही है ना।
अब इसमें ना मैं कंफ्यूज थी, मैं दो तरह के इयररिंग्स थे, तो एकदम स्टोन वाले पहनूं या ये, मुझे मैं बहुत मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं जाऊंगी इन फ्लावर वाले इयररिंग्स के साथ, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर लगेंगे। देखेंगे लास्ट में इनको पहनकर कि कैसा लुक आता है इनके साथ। और अब हम शुरू करते हैं अपना हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल करने के लिए बालों को थोड़ा मैं स्ट्रेट सोच रही हूँ कि स्ट्रेट कर लेना चाहिए, तो हेयर स्टाइल थोड़ा सही बनेगा। बाल सूख गए हैं, ऑलमोस्ट सारे बाल मेरे ड्राई हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया है और अब मैं अपना हेयर स्टाइल शुरू कर रही हूँ। सामने की फ्लिक्स निकाली है मैंने एक, और मैंने मिडिल पार्टीशन करके बीच से कुछ बाल उठाकर ब्रीड बना ली है। फ्रंट से थोड़े थोड़े बालों को लेकर आप देख ही सकते होंगे कि मैं किस तरह से हेयर स्टाइल बना रही हूँ। धीरे धीरे ब्रीड को पुल करते जाना है ताकि वो थोड़ी फ्लफी सी दिखाई दे। पुल करने के बाद जो अपनी ब्रेड है ना, वो थोड़ी फ्लफी और थोड़ी सी मोटी दिखाई देती है। अगर आपके बाल थोड़े थिन हैं, पतले भी हैं, तो आपकी ब्रेड जो है अच्छी दिखाई देगी। अब ये पूरी ब्रेड रेडी होने के बाद मैं इसको पीछे पिन से टक करूँगी। बॉबी पिन से टक किया है मैंने। इसी तरह से आप दूसरे साइड पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, सेम ब्रेड करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोस पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि इससे मुझे समझ में आए कि मैं कैसे और मतलब क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो ये ब्रीड मेरी रेडी है, दोनों तरफ से मैंने इनको पिन से अटैच कर लिया है। एक पिन एक्स्ट्रा लगाऊंगी एक बिल्कुल सिक्योर करने के लिए, ताकि ये हेयर स्टाइल मेरा शाम तक चले, क्योंकि अब बार बार तो मैं हेयर स्टाइल नहीं कर सकती ना, और भी काम है मुझे, तो ये शाम तक स्टे रहे। अब मैं बालों को करूँगी कर्ल। यहाँ पर मेरा थोड़ा कर्लर गर्म नहीं हुआ था, हीट प्रॉपर नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्टे करना पड़ा। इसके बाद एक बार आपका कर्लर गर्म हो जाए तो इजीली जल्दी जल्दी आपके कर्ल हो जाते हैं। वैसे मेरा राखी का जो थीम है वो ब्लू कलर का ही है, तो मैंने चीकू को भी ब्लू ही ड्रेस पहनाया है, और मेरा भी ऑलमोस्ट ब्लू ही है, और आगे भी आपको ब्लू ही देखने को मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि मतलब मेरी राखियाँ भी ब्लू ही हैं। पता नहीं, मुझे ब्लू कलर के साथ थीम करने का, मतलब ब्लू थीम रखने का मेरा मन किया कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए। हमेशा तो हम सिंपल ही ये वो सारा कुछ करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ थोड़ा नया ट्राई किया जाए, तो मैंने ऐसा किया है। बस मन को अच्छा लगा तो मैंने ये कर दिया। तब एक साइड के तो बाल लगभग हो ही गए हैं। ये तो मेरे लुक का वीडियो है, इसके बाद हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन वीडियो भी आने वाला है, कि हम वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी कि हम कैसे हम तीनों भाई बहन ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं तो आपके साथ तो ये शेयर करना बनता है ना। ये सामने की जुल्फे मेरी कितनी प्यारी लग रही है ना, अच्छी लग रही हूँ मैं। थू थू थू, मेरी ही मुझे नज़र ना लग जाए।
यहाँ पर मेरी सिस्टर आई है, तो मैं मतलब मेरी छोटी बहन, मैं उस वो कुछ मुझसे बात करने लगी थी, तो मैं उसके साथ थोड़ा बोलने लगी और बहुत कर्ल कर रही थी, तो बहुत मुझे गर्मी हो रही थी, तो एसी ऑन करने चली गई थी मैं, क्योंकि हीट हीट देता है ना कलर, और फिर मेरा मेकअप भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने एसी ऑन कर लिया। यहाँ मैं उसके साथ बतिया रही हूँ, बतियाते बतियाते मैं अपने बालों को कर्ल कर रही हूँ। मैं उससे कह रही थी कि जा तू भी रेडी हो जा, तो वो फिर मुझसे कहने लगी, नहीं दीदी मैं नहीं रेडी होना है मुझे, मैं थक गई हूँ। वो उसी समय जिम से आई हुई थी, तो कहती है कि नहीं मैं, मैंने बोला चलो ठीक है। मैं अपने बेटे को आज बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने उससे सुबह बात की थी कि बांध लिया अपने राखी, तो उसने कहा नहीं मम्मा आज नहीं, शाम को हम जाएंगे बुआ के घर, आत्या के घर, ताई आएगी तब फिर हम राखी सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने बोला ठीक है। सीवी सेलिब्रेशन में बच्चे पास में रहे, तो वो फेस्टिवल का जो की जो रौनक है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यहाँ मुझसे उसने कुछ ऐसी बात करी थी जिसके लिए मुझे हंसी आ गई थी, कुछ हमारा फनी टॉक चल रहा था, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती थी, थोड़ा सा वो थोड़ा पर्सनल था, नहीं तो मैं इस पर वॉइस ओवर नहीं करती। और क्या है ना कि मैं कोई भी वीडियो अगर कुछ शूट करती हूँ तो मैं तो कम बोलती हूँ, फिर हमारा ताए ज़रा ज़्यादा बोलने लगता है, इसलिए मुझे अधिकतर वीडियोज़ में वॉइस ओवर करना पड़ता है। और हमारे आसपास बहुत, अभी वो गणेश जी की स्थापना होने वाली है, तो मंडप डेकोरेशन ये वो, तो बहुत ही ज़्यादा शोर शोर शराबा चल रहा है, तो इस वजह से मुझे सारे वीडियोस वॉइस ओवर में ही देने पड़ते हैं। तो फाइनली ये मेरे हेयर कर्ल हो गए हैं और मैं पहनने वाली हूँ, मतलब पहन रही हूँ अपने इयररिंग्स, देखते हैं क्या लुक आता है इसका। ये इयररिंग्स ना मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं मिले कहीं मिले, तो मैं मम्मी आई थी, तो मैं फिर हम मतलब मैं मम्मी और मेरी सिस्टर हम लोग गए थे महालक्ष्मी टेम्पल, तो वहाँ से आते वक्त हम इयररिंग्स की शॉप में हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए रुक गए थे, तो वहाँ मेरी नज़र इन पर पड़ी, तो मैंने इन्हें तुरंत ही ले लिया, मैंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, मैंने इन्हें ख़रीद ही लिया कि मुझे ये चाहिए थे तो मुझे चाहिए। तो ये रहा मेरा रक्षाबंधन वाला फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ये उससे भी पूछ रही थी, वो मेरे पास बैठी थी तो मैं उससे पूछ रही थी, तो कहती है दीदी तू बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। तो अब मैं करती हूँ रक्षाबंधन की सेलिब्रेशन की तैयारी। कुछ तो छूट रहा है, समथिंग आर मिसिंग। हाँ बिंदी छूट रही थी, तो मैं गई फट से, मैंने बिंदी लेकर आई, तभी तो मेरा लुक पूरा कंप्लीट होगा ना। हाँ फाइनली दिस इज द परफेक्ट लुक फॉर रक्षाबंधन। मुझे ना धीरे धीरे चीज़ें याद आती हैं, फिर मैंने अपनी क्लिप निकाल के रखे थे मेरे हेयर स्टाइल में लगाने के लिए, तो अब मैं उनको टक कर रही हूँ, इससे मेरा हेयर स्टाइल और
भी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। मैं उससे पूछ रही थी पीछे से, ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है या नहीं। मुझसे कहती है ये तो मेरा हेयर क्लिप है, तो मैंने उसको याद दिलाया हाँ ये तेरा हेयर क्लिप है, तू लेकर आई थी। फिर मुझसे कहती है तुझे कैसे पता कि तुझे ये इयररिंग्स इस साड़ी पर ही पहनने हैं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, मुझे ये इयररिंग्स काफ़ी टाइम से ख़रीदने थे तो मैंने उस दिन परचेस कर लिए, और मुझे इस पर पहनना है ये तो मैंने सोचा नहीं था कुछ भी। मेरे पास दो इयररिंग थे, मैंने दो निकाल के रखे, तो मैंने उसमें से मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा इस पर पहनने के लिए, मैंने पहन लिया। बाकी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वो तो इमीडिएट समझ में आता है कि मुझे ये करना है तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी मैं सुंदर लग रही हूँ ना, हाय मुझे नज़र न लग जाए। फाइनली रेडी फॉर रक्षाबंधन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरी तरह अच्छे अच्छे तैयार हुआ कीजिए, और फिर से मेरी तरफ़ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।